हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए हर बार नई नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता हूं और आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही मज़ेदार वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं। इस वीडियो की रिक्वेस्ट काफ़ी समय से आ रही थी पर काम में बिज़ी होने की वजह से मुझे इसे बनाने का मौका नहीं मिल पा रहा था, तो मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में देर हो गई। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको जिस वॉइस एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहा हूं, उनका नाम है तोशी सिन्हा जी। तोशी सिन्हा जी मुंबई में रहती हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2001 में की थी। वो एक रेडियो जॉकी और रेडियो प्रोग्रामर हैं और इसके अलावा वो एक बहुत ही बेहतरीन वॉइस एक्ट्रेस हैं। उन्होंने डिस्कवरी चैनल, डिज्नी चैनल, कार्टून नेटवर्क, पोगो, निकलोडियन और यूटीवी जैसे चैनल्स के लिए डब किया है। अब जान लेते हैं उनके डबिंग रोल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टेलीविजन सीरीज की। डिज्नी चैनल पर एक शो आया करता था जिसका नाम था लिजी मैकवायर। तो उन्होंने शो में लिजी मैकवायर को अपनी आवाज़ दी थी और इसके बाद मेरे चाइल्डहुड का सबसे बेहतरीन और फनीएस्ट शो जो मैंने देखा था वो था दैट सो रेवन। तो उन्होंने उसमें रेवन बैक्स्टर को अपनी आवाज़ दी थी और ड्रेक एंड जोश में बहुत ही अलग अलग किरदारों को अपनी आवाज़ दी है। और इसके अलावा लूसीफर में उन्होंने एला लोपेज को अपनी हिंदी आवाज़ दी है। अब बात करते हैं उनके साउथ इंडियन मूवीज़ की। साउथ इंडियन मूवीज़ में उन्होंने अनुष्का शेट्टी, त्रिशा कृष्णन, आयशा शिवा, हंसिका मोटवानी, ज्योतिका, नित्या मेनन, रीमा सेन, श्रिया सरन, रेवती, तापसी पन्नू, तमन्ना भाटिया, प्रियामणि, विद्युलेखा, राय लक्ष्मी, भूमिका चावला और रकुलप्रीत सिंह जैसी फैबुलस एक्ट्रेस को अपनी आवाज़ दी है। अब इसके बाद बात करते हैं हॉलीवुड मूवीज़ की। द टक्सीडो मूवी में उन्होंने जेनिफर लव हैवियट डेल ब्लेन को अपनी आवाज़ दी है। इसके बाद नानिया के सभी पार्ट्स में इन्होंने सूजन पवेंसी को, नाइट एंड डे में जून हेवेंस को, द अमेजिंग स्पाइडरमैन के दोनों पार्ट्स में ग्वेन स्टेसी को, स्काईफॉल और स्पेक्टर में इन्होंने ईव मनीपनी को, थोहर के सभी पार्ट्स में जेन फॉस्टर को और फैंटास्टिक फोर में सुजन स्टॉर्म को अपनी आवाज़ दी है। इसके बाद डाइवर्जेंट मूवी में इन्होंने टोरी लाउ को, वेनिला स्काई में सोफिया सेरानो को, गोस्ट राइडर में रॉक्सैन सिम्पसन को, रिडिक में डहल को, जुरैसिक वर्ल्ड के दोनों पार्ट्स में क्लेयर डैनिंग को, डेडपूल के दोनों पार्ट्स में वैनिसा को और फास्ट एंड फ्यूरियस 7 और द फेट ऑफ द फ्यूरियस में इन्होंने रैमजी के कैरेक्टर को अपनी आवाज़ दी है। इसके बाद इन्फर्नो में डॉक्टर सियाना ब्रूक्स को, स्काई हाई मूवी में ग्वेंडलिन ग्वेन ग्रेसन, रॉयल पेन और सू टैनी को, द मम्मी मूवी में प्रिंसेस अहमनेट को, इलेक्ट्रा में इलेक्ट्रा नेचेस को, जीआई जो रिटेलिएशन में जेन बुरनेट को, द ग्रेटेस्ट शोमैन में लेटी लूट्स को और आखिर में द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन में क्वीनी को अपनी आवाज़ दी है। अब आखिर में बात करते हैं एनिमेटेड मूवीज़ की। बारबी एज रैपंजल में इन्होंने प्रिंसेस लोरेना को, बारबी एज द आइलैंड प्रिंसेस में इन्होंने प्रिंसेस लुसियाना, सोफिया, क्वीन डैनियला और मामा पिग जैसे अलग अलग किरदारों को अपनी आवाज़ दी है। इसके बाद द इनक्रेडिबल्स में इन्होंने बेबी सीटर को, कुंग फू पांडा के सभी पार्ट्स में वाइपर को, फाइंडिंग डोरी में डोरी को, ट्रोल्स मूवी में ब्रिजिट को और आखिर में ओवर द मून मूवी में इन्होंने आवाज़ दी है चेंज को। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लेकर ज़रूर बताइएगा इसके बारे में कि वीडियो कैसी लगी और आगे चलकर आप और किस वॉइस एक्टर के बारे में या कौन सी वीडियो के डबिंग आर्टिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं इसी तरह से आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आगे भी बनाकर लाता रहूँगा। दोस्तों, अब मैं आपसे अगली बार मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।